नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेष राशि वालों। दोस्तों, सोने में तोल दिया शनिदेव ने, अब आपके दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अब आपके जीवन काल में बड़ा चमत्कार होगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यश में आपको जीवन काल में कई ऐसी सफलताएँ आपको मिलने वाली है, कई बड़ी ऐसी कामयाबी आपको प्राप्त होने वाली है जिनसे दुनिया आपको देखकर चलेगी और आपके जलवे लोग देखते रहेंगे। आपको बता दें कि यश में आपकी तरक्की की नैया आगे बढ़ेगी और आपने जीवन काल में कई प्रकार के सफलताओं को प्राप्त होने वाले हैं। जी दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यश में इस दशक के सबसे बड़े योग का निर्माण आपकी राशि पर हो चुका है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यश में कुंडली में आपकी राशि से सप्तम भाव में भगवान शनिदेव का विराजमान होना यानी कई प्रकार के चमत्कार के साथ साथ कई ऐसे योगों को लेकर आए हैं, कई ऐसे धन योगों को लेकर आए हैं जिनसे दोस्तों आपके जीवन काल की सभी प्रकार की समस्याओं का अंत हो जाएगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, बस इन्हें आप ध्यान से सावधानीपूर्वक अपने जीवन काल में उपयोग कर लें। जी दोस्तों, इसलिए आज के इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि यश में आपको किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहना होंगे, कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में क्या क्या सुधार, क्या क्या बड़े चमत्कार होंगे, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। इससे पहले दोस्तों, जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखेगा, गुरुजी का और भगवान शनिदेव का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो मित्रों, जरूर लिखिएगा और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, दिन उन्नति कारक है, आपकी प्रतिभागिता के अनुरूप आपको अपने कार्यों के उचित परिणाम प्राप्त होंगे। काम काज व फिर करियर को महत्व देंगे, परंतु पहली प्राथमिकता आपकी परिवार ही रहेगी। दोस्तों, यश में संतान की विवाह को लेकर कुछ योजनाएं व फिर गतिविधियां रहेंगी। दोस्तों, यश में दोपहर के बाद का कुछ समय हानिकारक रहेगा, मन में बेचैनी सी महसूस होगी। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह से उन्हें अवश्य पढ़ लें। बच्चों की जिद्दी व फिर अड़ियल रवैया आपको चिंता में डाल कर सकता है। और दोस्तों, यश में युवा वर्ग को अपने लक्ष्य के लिए जो है ज़्यादा एकाग्र रहने की आवश्यकता होगी। वही दोस्तों, आज के दिन खुद के द्वारा खुद पर ही डाले गए बंधनों से आज़ाद होने की कोशिश करें। दोस्तों, सीमित दायरे में रहकर आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति आपके बारे में औरों द्वारा बोली गई बातों से बनी है, इसलिए दोस्तों इन्हें वास्तविक समझने की गलती ना करें। इसके कारण दोस्तों, यह समय आपके लिए जो दिन होंगे, दोस्तों आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम देंगे, साथ ही अपनी जो भी आपकी हॉबी है, हॉबी संबंधी कार्यों में यश में आपकी रुचि रहेगी। घर के बड़े बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद यश में आपके ऊपर बना रहेगा। सामाजिक कल्याणकारी संस्था में आपके उत्तम योगदान की वजह से आपकी वाही वाही तथा प्रशंसा होंगी। इसके बाद दोस्तों, यह समय दूसरों के पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप करने तथा किसी प्रकार की आलोचना करने से आप स्वयं ही मुसीबत में पड़ सकते हैं। पारिवारिक मसलों में आपको जो है संजीदगी तथा गंभीरता से काम लेने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, यह समय वाहन संबंधी खर्चों की अधिकता रह सकती है। इसके बाद दोस्तों, यह समय आपके लिए जो दिन होंगे, जीवन में आगे बढ़ते समय आपको सबके प्रगति के साथ अपने आप पर निर्भर होने की आवश्यकता होगी। आपको नेतृत्व गुण की वजह से लोग आपके पास जो है सलाह लेने भी आ सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन खुद के काम को नजरअंदाज करके दूसरों को काम करने की बिल्कुल ना सोचें। वही दोस्तों, यश में कोई शुभ समाचार मिलने से मन में प्रसन्नता भी बनी रहेगी। रुपये पैसे की आवक के लिहाज से समय की जो गति है यह आपके पक्ष में होगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक अथवा सामाजिक आयोजन में भाग लेने का अवसर भी प्राप्त होगा। विवाह योग्य व्यक्तियों की विवाह की बात भी यश में आगे बढ़ेगी। परंतु दोस्तों, दिन के दूसरे पक्ष में कोई अप्रिय सूचना या फिर संदेश मिलने से मन जो है व्यथित रहेगा। दोस्तों, यह समय पिता पुत्र से किसी प्रकार की वैचारिक मतभेद रह सकता है। विद्यार्थियों की पढ़ाई में व्यवधान आएंगे, जिद अथवा आवेश में वे अपना नुकसान कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह समय संभल कर रहे। इसके उपरांत यह समय आप जो है काम और परिवार में योग्य संतुलन बनाकर रखें, घर और काम संबंधी जिम्मेदारियां आप निभा पाएंगे।
दोस्तों जिम्मेदारियां निभाते वक्त आपकी जो आपके प्रति जो जिम्मेदारी बनती है, इस बात को ध्यान में रखें, खुद की पसंद नापसंद दूसरों पर यश में ना थोपें। यश में दिल के बजाय आप दिमाग से काम लें, यह आपके लिए आवश्यक होंगे। दोस्तों यश में ग्रह स्थिति आपके पक्ष में बनी हुई है, अतः अपने काम को पूरी गंभीरता व फिर संजीदगी से आप अंजाम दें। भविष्य को लेकर कोई भी सकारात्मक योजना यश में बन सकती है। राजकीय कार्यों को सुलझाने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेनी आवश्यक होगी। दोस्तों आपके कुछ नजदीकी लोग ही आपके खिलाफ कुछ नकारात्मक वातावरण बनाएंगे, परंतु दोस्तों यह समय इसका कुछ भी दूषित परिणाम आप पर हावी नहीं हो पाएगा। खर्चों की अधिकता यश में बनी रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो दिन होंगे, दोस्तों सेहत ठीक ना रहने की वजह से मानसिक रूप से आप थोड़ा सा कमजोर महसूस करेंगे। मन किसी बात से संतुष्ट नहीं रहेगा, लेकिन दोस्तों यह समय लक्ष्य की प्राप्ति के बारे में अधिक ना सोचें, जितना हो सके उतना वर्तमान में रहकर जीने की कोशिश करें, यह आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों आज के दिन अगर आपके करियर को लेकर बात करें, तो दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, काफी समय से रुकी हुई व्यवसायिक गतिविधियां अब सुचारू रूप से चलेंगी। प्रतिद्वंदियों की जो गतिविधियों को यश में आप नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। ऑफिस में अपने ही जो है काम पर ज्यादा ध्यान देने की आपको जरूरत होगी। यश में बॉस की नाराजगी सहन करनी आपको पड़ सकती है। इसके बाद दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों काम संबंधी जिम्मेदारियां बढ़ने की वजह से मानसिक तनाव भी यश में रख सकता है, या फिर ज्यादा ओवर टाइम भी यश में आपको काम करना पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों कार्य क्षेत्र में पूर्व में ही की गई मेहनत के उत्तम परिणाम यश में आपको हासिल होंगे। लोग आपकी बुद्धिमत्ता कार्य क्षमता के कायल हो जाएंगे। युवाओं को जॉब और फिर करियर से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलने की भी संभावना बन रही है, परंतु दोस्तों किसी राजकीय मामले में परेशानी बनी रहेगी। ऑफिस में कामकाज को पूरी लगन से करने की यश में आपके लिए आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, कार्य क्षेत्र में किसी भी अपरिचित इंसान की डील करते समय अधिक सावधानी बरतें, अन्यथा आप किसी साजिश या फिर षड्यंत्र के शिकार भी यश में हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को हल्की फुल्की परेशानियां तो आएंगी, परंतु दोस्तों बुद्धिमत्ता तथा विवेक से आप सभी परेशानियों का हल भी शांतिपूर्ण तरीके से ढूंढ लेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो दिन होंगे, मानसिक तनाव का असर आपके काम पर भी यश में दिख सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, कुछ नए व्यावसायिक अनुबंध भी यश में आपको प्राप्त होंगे, जो आगे चलकर आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। दोस्तों पार्टनरशिप संबंधी कार्यों में किसी विषय पर वाद विवाद होने की स्थिति भी बन सकती है। चल अचल संपत्ति में निवेश करने से पहले यश में सोच लें, यह आपके लिए उत्तम होगा। ऑफिस में तबादला अथवा किसी प्रकार के नुकसान होने से आपको भय रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, तो ये दोस्तों यह समय आपकी लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। प्रेम संबंधों का पारिवारिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव यह समय पड़ सकता है, इसलिए दोस्तों यश में सावधान रहें। दोस्तों यश में रिलेशनशिप से जुड़ी जो भी जिम्मेदारियां हैं, यश में आपके ऊपर बढ़ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों आज के दिन यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, घर परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए शॉपिंग संबंधी कार्यों में समय व्यतीत होगा, जिससे घर के सदस्यों के बीच खुशी भरा माहौल रहेगा। आपकी किसी परेशानी में नजदीकी मित्र की सहायता मिलेगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो दिन होंगे, दोस्तों यह समय पारिवारिक माहौल सुखद बना रहेगा। प्रेमी या फिर प्रेमिका के लॉन्ग ड्राइव या फिर डेटिंग पर जाने का अवसर बनेंगे, तथा दोस्तों परिवार में आपका वर्चस्व यह समय बना रहेगा। दोस्तों यह समय कामकाज और पारिवारिक जिम्मेदारियों में बेहतर तालमेल बना रहेगा। पति पत्नी के संबंध यश में मधुर रहेंगे। प्रेम प्रसंगों में भी किसी प्रकार की गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, तो दोस्तों यह समय इनको लेकर सावधान रहें। अपने प्रेमी से या फिर किसी से बात करते समय यह समय आप अपने वाणी पर संयम रखें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, स्वास्थ्य आज के दिन अति उत्तम बना रहेगा। यश में किसी प्रकार की चोट लगने तथा गिरने की आशंका भी लग रही है, इसलिए दोस्तों यश में आप स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, अपने क्रोध व फिर आवेश पर काबू रखें, अन्यथा इसका नकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। दोस्तों यश में ब्लड प्रेशर की भी नियमित जाँच करवानी आपके लिए आवश्यक होगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवस्थित दिनचर्या तथा खान पान की वजह से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, तथा व्यवहार में सकारात्मकता बनी रहेगी। दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी रह सकती है, नियमित रूप से मेडिकल चेकअप आदि करवाएं, तथा स्वयं भी मौसमी बीमारियों से सावधान रहें।